18 जून बरोज़े हफ्ता धरना चौक हैदराबाद तेलंगाना में गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ यानि नुपुर शर्मा और जिंदल के ख़िलाफ़ और फिर तेलंगाना में राजा सिंह के ख़िलाफ़ मिलियन मार्च प्रोटेस्ट है। और इस प्रोटेस्ट में तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग शरीक होंगे। करीब 35 ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इस प्रोटेस्ट के लिए काम कर रही हैं। और हमारा ये मतालबा है कि आप सिर्फ पार्टी से निकाल देना या फिर कोई एक FIR की पर्ची चाक कर देना कमाल नहीं है। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उसको गिरफ़्तार करे और सख्त सज़ा दे। अफसोस का मुकाम है कि 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात और एहसासात के ताल्लुक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने या होम मिनिस्टर ने आज तक एक बात भी नहीं कही है। और फिर खुद रियासत के मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स ने भी इस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि यह मसला देश में समझिए कि अमन अमान को बाकी रखने का और देश में समझिए कि एक बड़ी अक्सरियत के जज्बात और एहसासात का मसला है। अगर मुसलमानों के एहसासात और जज्बात को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर देश कैसे चला पाएंगे। आप 25 करोड़ मुसलमानों को दबाकर, धमकाकर या डराकर इस मुल्क को तरक्की के राहों पर नहीं ले जा सकते। 25 करोड़ मुसलमानों का भी तरक्की में योगदान है और रहेगा, और इस मुल्क की सालिमियत और बका के लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस देश से ज़्यादा हमको कोई और महबूब नहीं है, लेकिन इस देश से भी ज़्यादा हमारी जान और हमारे माल से ज़्यादा महबूब हमारे रसूल हैं। और रसूल की अजमत के लिए, आपकी इज्जत और वक़ार के लिए हम अपना खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। सर, एक बात यह है, आप मिलियन मार्च 18 तारीख को आप कॉल करें, क्या आपको इसके बारे में पुलिस परमिशन मिलेगी, आपको इजाज़त मिलेगी? पुलिस को परमिशन देना पड़ेगा। हम परमिशन के इस प्रोटेस्ट में पाबंद नहीं है। हम प्रोटेस्ट में पुलिस परमिशन के पाबंद नहीं है, लेकिन हम पुरुम्मीद है कि पुलिस इस प्रोटेस्ट का परमिशन देगी ताकि अमन व अमान कायम रह सके। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान कायम रखे। यह प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। लास्ट मिलियन मार्च जो NRC का था वो रहेगा। लास्ट मिलियन मार्च जो NRC का था वो खुद अपने आप में एक हिस्ट्री था कि पूरा पीसफुल समझिए कि प्रोटेस्ट किया गया। हालिया कुछ दिन पहले एक वज़ीर दाखला महमूद अली साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, उसमें खास तौर पर यह कहा गया था कि हैदराबाद में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप धरना चौक पे हो या कहीं भी हो, आप हैदराबाद में आप प्रोटेस्ट नहीं करते। अजीजिया मस्जिद के पास जो वाकया हुआ था उसके ताल्लुक से उन्होंने कॉल पे ये कहा था कि आप हैदराबाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा पुलिस को रूट बताना चाहिए, पुलिस से परमिशन लेना चाहिए। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते महमूद अली साहब होम मिनिस्टर की हैसियत से ये बात नहीं कह सकते, इस वजह से कि प्रोटेस्ट सिटीजन का राइट है, प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। एक होम मिनिस्टर उस राइट को ख़त्म नहीं कर सकता। बात यह है, 30 जमातें इस वक्त राइट नो हैं और हम समझिए कि ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है कल से, और हमें उम्मीद है कि कामयाब समझिए कि ये प्रोटेस्ट रहेगा। सियासी, समाजी, मजहबी सभी तंजीमें हैं, और तमाम समझिए कि मजाहिब को मानने वालों को भी हम इसमें बुला रहे हैं। ये बात तय है।